पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की रूहानी जीवोद्धार यात्रा रूहानी डायरी में आपका स्वागत है। बात है 17 सितंबर 1977 की। शहनशाहों के शहनशाह परमपिता जी ने राजस्थान में संगरिया मंडी के आसपास 6 गांव में सत्संग निश्चित कर रखे थे। 17 सितंबर को परमपिता जी उन सत्संगों का कार्यक्रम देने के लिए डेरा सच्चा सौदा दरबार सरसा से रवाना हो गए। रास्ते में कई गांव में अपनी प्यारी साध संगत को दर्शन देते हुए खुशियों से आनंदित किया और आगे मंडी डब्बाली होते हुए गांव नगराना जा पहुंचे। वहां की साध संगत अत्यंत उत्साहित थी। उन्होंने अपने प्यारे सदगुरु जी के पधारने की खुशी में अपने गाँव को खूब चमका रखा था। चारों ओर झंडियाँ लगी हुई थी और पूरा गाँव रौनक में था। पूज्य परमपिता जी ने अत्यंत प्रभावशाली सत्संग किया। उस सत्संग में 600 से अधिक जीवों ने नामदान प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाया। इस पर परमपिता जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। सत्संग की समाप्ति के बाद परमपिता जी ने उतारे वाले घर आकर भोजन किया और उनके सारे परिवार तथा सेवादारों को मिलकर खुशियां बख्शी। फिर शहनशाह जी अपनी गाड़ी में सवार होकर संगरिया मंडी के लिए रवाना हो गए। संगरिया मंडी में पूरी हलचल थी। सारे शहर की गलियों में झंडियां लगाकर पूरी सजावट की हुई थी। परमपिता जी के वहां पधारने पर साध संगत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से सारे वातावरण को गुंजा दिया। जिस घर में परमपिता जी का ठहरने का इंतजाम था वहां जाकर गाड़ी रोकी गई और शहनशाह जी गाड़ी से उतरकर उस घर में विराजमान हो गए। वहां पर जो साध संगत दर्शनों के लिए आई हुई थी सभी को दर्शन दिए और फरमाया, भाई 9 बजे सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, हम जल्दी ही सत्संग में साध संगत के दर्शन करेंगे। साध संगत अत्यधिक संख्या में पहुंची हुई थी। शहनशाह वालिदो जहान परमपिता जी 9:30 बजे सत्संग पंडाल में आकर स्टेज पर विराजमान हो गए। 2 कविराजों ने शब्द बोले, उसके बाद परमपिता जी ने सत्संग आरंभ कर दिया। सत्संग का जो कार्यक्रम था वह देखते और सुनते ही बनता था। अत्यंत ही प्रभावशाली सत्संग था। सत्संग पूरा होने के बाद परमपिता जी ने एक शादी भी करवाई। शादी के समय माता बहनों ने बहुत शोर किया। पास में ही एक बरामदा था, उसमें से एक माता बहन पीछे से धक्का देती तो आगे वाली गिर जाती। इस प्रकार वहां 2-3 बार ऐसा हुआ। मास्टर आत्माराम जी उस समय स्टेज भंगीदास थे तो उन्होंने बहुत समझाया, भाई शादी तो हो गई है और शादी वाले लड़का लड़की बैठ गए हैं, तुम्हें क्या हो गया है। फिर परमपिता जी ने एक कविराज को शब्द बोलने का आदेश दिया। उस शब्द के पूरा होने पर परमपिता जी ने अपने पवित्र मुख से व्याख्या की जिससे अनेकों जीवों के हृदय पिघल गए। फिर दयालु दातार जी ने नाम के प्रति समझाया और नाम की अनमोल दात बख्शी जिससे 500 जीवों ने अपना मनुष्य जन्म सफल किया तथा सचखंड जाने के अधिकारी बने। उसके बाद परमपिता जी सभी को आज्ञा देकर सत्संग पंडाल से उतारे वाले घर आते समय रास्ते में चौधरियों के घर में चरण डाल कर आए। उसके बाद प्रेमी ख्याली राम के घर आकर खूब साध संगत को दर्शन दिए, फिर रात को वहीं आराम किया। अगले दिन का सत्संग गांव तख्त हजारे का था। सुबह ही शहनशाह जी संगरिया से चल दिए। रास्ता बहुत ही खराब था। परमपिता जी फरमाने लगे, भाई सड़कों को ठीक नहीं करते, ऐसे ही रगड़ते फिरते हैं। रास्ते में शहनशाह जी एक स्थान पर ठहरे तो वहां पर एक ट्रैक्टर वालों का खूब दर्शनों से निहाल किया। फिर सादुल शहर मंडी से होते हुए गांव तख्त हजारे जा पहुंचे। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद परमपिता जी फरमाने लगे, तुम यहीं पर रहो, हम बुदरवाली जाकर आते हैं। तख्त हजारे से बुदरवाली 3-4 किलोमीटर है। बताते हैं कि जब परमपिता जी बुदरवाली दरबार में गए तो वहां माता बहने परमपिता जी के चरण कमलों में पड़ गई और चरण छोड़े ही ना। इस पर परमपिता जी कहने लगे, भाई फिर हम इस गाँव में नहीं आएंगे। वे सभी बहनें कहने लगी कि हमें बहुत देर बाद आज शाह मस्ताना जी मिले हैं, छुप गए थे। लेकिन वास्तविकता यह थी कि मस्ताना जी के ज्योति जोत समा जाने के बाद वे लोग मस्ताना जी के प्यार को भूल गए थे और डेरा सच्चा सौदा दरबार में नहीं आते थे। इसलिए ही परमपिता जी ने उन पर अपनी दया दृष्टि की और उन्हें अपने दर्शन देकर फिर से जागृत किया। शहनशाह जी ने वहाँ पर एक शब्द एक कविराज से बुलवाया और सभी को खुशियाँ देकर वापस गाँव तख्त हजारे आ गए। यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम शुरू था। परमपिता जी ने यहाँ आकर स्नान किया और सत्संग में चले गए। वहाँ पर सत्संग में प्रेमी हाथी राम नाचने लगा। फिर उसने एक शब्द बोलकर सुनाया। उसके बाद उसने कई नारे जोर जोर से लगाए। फिर एक बार बोला, साडा सतनाम जी जिंदा राम तेरा ही आसरा।
इस पर परमपिता जी कहने लगे, ऐसे नहीं बोलना, तू ऐसे बोला कर, शाह मस्ताना जी बिलोचिस्तानी तेरा ही आसरा। हाथीराम कहने लगा, जी मैं गलत बोल गया, अब और बोल देता हूँ। उसने ऐसी कई बातें करके परम पिताजी को बहुत प्रसन्न किया। वह कहने लगा, परम पिताजी मेरे छित्र पड़ने वाले हैं, यानी मुझे जूते पड़ने वाले हैं। पिताजी कहूँगा तो मैं ठीक ही, पर अगर भूल गया तो क्या करूँ। उसने ऐसी कई बातें करते हुए परम पिताजी को अत्यधिक प्रसन्न किया। शहनशाह जी ने अपने मुखारबिंद से अनमोल वचनों द्वारा सात संगत को मनुष्य जन्म की विशेषता पर प्रकाश डाला और बहुत ही प्रभावशाली सत्संग हुआ। इसके बाद सेवादार बहनों ने एक शब्द बोला और साथ में माता बहनों को सेवादार बहनों के शब्द बोलने की महत्वता के प्रति जागरूक किया। परम पिताजी फरमाने लगे, इन सेवादार बीबियों से इसलिए शब्द बुलवाते हैं कि जितना अधिकार राम नाम की भक्ति करने का पुरुषों को है, उतना ही बराबर औरतों को भी है। तुम भी बढ़ चढ़कर अपने अधिकारों का लाभ उठाओ और अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। शब्द बोलने के बाद जो नाम के अधिकारी जीव नाम लेने वाले थे उन्हें नामदान प्रदान किया। उसके बाद परमपिता जी उतारे वाले घर पर आ गए। 5 बजे तख्त हजारे वाले गांव से हनुमानगढ़ के सत्संग के लिए रवाना हो गए। हनुमानगढ़ में परम पिताजी का उतारा शहर से बाहर एक प्रेमी के घर पर था तथा सत्संग शहर में एक स्कूल में था। शहनशाह पूज्य परम पिताजी 10:45 बजे सत्संग पंडाल में सुसज्जित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। सत्संग का शब्द भाई दिलीप सिंह से बुलवाया तथा सत्संग इतना मनमोहक था कि सात संगत को प्रेम मगन कर दिया। काफी जीवों ने नाम शब्द की अनमोल दात प्राप्त करके अपनी 84 लाख जूनी का जन्म मरण का चक्कर समाप्त किया। इस उपरांत परम पिताजी अपनी गाड़ी में बैठकर उतारे वाले घर वापस आ गए तथा आराम किया। सुबह 7 बजे सात संगत को अपने पास बुलाकर दर्शन दिए और सभी को प्रसाद भी दिया। फिर रेलवे लाइन पर घूमने चले गए। लगभग 2-3 किलोमीटर दूर जाकर घूमते हुए वापस आए। वापस उतारे वाले घर आकर परम पिताजी ने सभी परिवारजनों को खुशियाँ दी और फिर पक्का सहारणा गाँव के सत्संग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हिरना वाली हाथियों वाली गाँव के बीच में से होते हुए जा रहे थे। बाबा मोहन सिंह जी ड्राइवर ने पगड़ी की बजाय सिर पर गोल परना बांधा हुआ था। इस पर परम पिताजी फरमाने लगे, मोहन सिंह कभी कुकियां की तरह पगड़ी बांध लेता है, कभी पटियाले शाही और कभी जालंधरियों की तरह पगड़ी बांधता है और कभी टोपी पहन लेता है, इसलिए तो गाड़ी खराब हो जाती है। शहनशाह जी वाली दो जहान परम पिताजी की ये हंसाने वाली बातें सुनकर सारी भजन मंडली बहुत हंसी। इतने में पक्का सहारना जा पहुंचे। वहां उतारे वाले घर जाकर ही गाड़ी रोकी। परम पिताजी गाड़ी से उतरकर वहां जिस कमरे में ठहरने का प्रबंध था उसमें चले गए और वहां शहनशाह जी ने 2 फांक नारियल की खाई। लगभग 12 बजे शहनशाह दयालु पिताजी सत्संग पंडाल में सुसज्जित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। सात संगत बहुत अधिक थी। परम पिताजी ने सत्संग में सात संगत को कई संत महात्माओं की वाणी की उदाहरणों द्वारा समझाया, जिससे सात संगत ने अत्यंत ही श्रद्धा से प्रेम मगन होकर सत्संग श्रवण किया। सत्संग समाप्ति के बाद काफी जीवों ने नाम की अनमोल दात प्राप्त की। नाम देकर परम पिताजी उतारे वाले घर आ गए और घर आकर खाना खाया तथा सभी सेवादारों को अपने पास बुलाकर प्रसाद दिया। शाम को अगले गांव लालगढ़ के सत्संग के लिए रवाना हो गए। लालगढ़ छावनी का यहां से 15-16 किलोमीटर का रास्ता था। जंडवाला गांव, जिसे चंडीगढ़ भी कहा जाता है, से होते हुए लालगढ़ छावनी जा पहुंचे। वहां सात संगत ने बहुत ही श्रद्धा और प्रेम दिखाया। सब तरफ और घर घर में लोग अत्यंत उत्साह से परम पिताजी के दर्शनों के इंतजार में खड़े थे। जिस घर के आगे से गाड़ी निकलती वे सभी लोग धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाने लग जाते। उधर गाड़ी के पीछे गांव के चौधरी भाइयों ने अपना ट्रैक्टर लगा लिया। उन्होंने भी परम पिताजी के वहां पधारने की खुशी में अत्यधिक नारे लगाए। गांव लालगढ़ का सारा वायुमंडल धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से गूंज रहा था। शहनशाही गाड़ी उतारे वाले घर पहुँच गई। परम पिताजी गाड़ी से उतर कर ऊपर चौबारे में चले गए। सात संगत ने पिताजी के उतारे वाला चौबारा बहुत ही सुंदर सजा रखा था। परम पिताजी ने ऊपर जाते ही सात संगत को अपने पास बुलाकर दर्शन दिए, फिर परिवारजनों को बुलाया, उन सब की कुशलता पूछी और सभी को प्रसाद दिया। इसके बाद शहनशाह जी एक कप चाय पीकर शीघ्र ही तैयार होकर सत्संग पंडाल में चले गए। सत्संग पंडाल में शहनशाही स्टेज बहुत ही सुंदर सजी हुई थी। परम पिताजी जाकर उस स्टेज पर विराजमान हो गए। सत्संग तो पहले ही शुरू हो चुका था। परम पिताजी ने सत्संग शुरू करने से पहले कुछ कविराजों से शब्द बुलवाए। उधर एक पंडित भाई माथे पर तिलक सजाए तथा गले में 4-5 माला पहने हुए सामने बैठा अपने मन ही मन में कुछ जाप कर रहा था। पंडित रामकृष्ण जी प्रेम कोटली वाले उस पंडित भाई से कहने लगे, पंडित जी आप इधर आकर बैठो, परंतु वह नहीं माना। इस पर परम पिताजी फरमाने लगे, रामकृष्ण जी इसे बैठा रहने दो, शायद ये नाम ही ले जाए। फिर परम पिताजी ने सत्संग का कार्यक्रम आरंभ कर दिया, जिसका विषय सत्संग पर था।
सत्संग में भक्ति भाव की लहरें ठाठे मारती हैं। इसकी शांति और ठंडक भरे असर सबको ठंडक बख्शते हैं। दुनिया एक जलता भट है जिसमें जीव जल रहा है, उनकी बेचैनी की हालत तरस योग्य है। संतों का सत्संग एक बेशकीमती नियामत है जो तड़पते जीवों का आधार है। जो जीव इसका सहारा लेते हैं वो बड़ी आसानी से संसार सागर से पार हो जाते हैं। यदि नदी नालों का जल गंगा में मिलकर गंगा जल हो जाता है, कसाई के घर का लोहा पारस से लगकर सोना बन जाता है, नीम का वृक्ष चंदन के पास रहने से खुशबूदार हो जाता है, और यदि ये सच है कि जो कुछ नमक की खान में गया नमक हो जाता है, तो इसमें शंका की गुंजाइश नहीं कि जो सत्संग में आते हैं उन पर भी सत्संग का रंग अवश्य चढ़ जाता है। जीव चाहे कितना ही बुरा या कितना ही नेक हो, सत्संग के असर से खाली नहीं रहता। मन का ये विशेष गुण है कि जिस प्रकार के वातावरण या संगत में रहता है वहाँ के प्रभाव को ग्रहण करता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसी प्रकार जीव भी संगत के प्रभाव को लेता हुआ उसी का रूप बन जाता है। सांसारिक पुरुषों की संगत में रहने से सांसारिक विद्या प्राप्त करता है, वह उसी का रूप बन जाता है। रूहानी पुरुषों की संगत करने से परमार्थ का ज्ञान व उसके अनुरूप चलते हुए उन जैसा ही बन जाता है, तथा बुरे पुरुषों की संगत करने से बुरा बनता है। परमार्थ के खोजी व जिज्ञासु पुरुषों को हमेशा संत महात्माओं की संगत में रहना चाहिए। संतों के सत्संग में एक ऐसी रूहानी कशिश होती है जो जीवों को अपनी तरफ प्रभावित करता है। संतों के बोलचाल, इशारों, दिल, दिमाग या व्यक्तित्व के असर से सत्संग का सारा वातावरण भरपूर हो जाता है, जो कि सब सुनने वालों के ऊपर अपना अमिट प्रभाव डालता है। संतों के आध्यात्मिक सत्संग से आध्यात्मिक शक्ति व ताजगी को पाकर जीव धीरे धीरे अपने दुर्गुणों का त्याग करता हुआ एक दिन नेक व पवित्र इंसान बन जाता है। सत्संग में से दैवी गुणों को धारण करके वह देवता, महात्मा व मालिक की पदवी पर पहुँच जाता है। यह संतों के सत्संग की ही महिमा है जो आम जीव को कतरे से समुद्र व राई से पर्वत बना देता है, अर्थात मालिक का ही रूप बना देता है। इस प्रकार परमपिता जी ने अत्यंत ही प्रभावशाली सत्संग किया। फिर शहंशाह जी ने माता बहनों को नाम के बारे में समझाया कि तुमने भी अपने मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठाकर जाना है, क्योंकि तुम्हें भी मालिक ने पुरुषों के बराबर अधिकार दिए हैं। इस तरह समझाने के बाद जो नाम अधिकारी जीव नाम लेने की इच्छा से बैठे थे, उन्हें नाम की महिमा व नाम के गुण बताकर सत्संग का कार्यक्रम समाप्त किया। वहाँ पर 600 जीवों ने नाम की अनमोल दात प्राप्त की और अपना मनुष्य जन्म सफल किया। इसके बाद परमपिता जी उतारे वाले घर आ गए। वहाँ से उनके सारे परिवार को अपने पास बुलाकर प्रसाद दिया और 12 बजे लालगढ़ से श्री गंगानगर के लिए रवाना हो गए। रात्रि के 1 बजे पटवारी रणधीर सिंह के घर जा पहुँचे। पटवारी जी के परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे सभी अपने प्यारे सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए आनंदित हो गए। फिर शहंशाह जी ने आराम किया। सुबह 5:30 बजे उठ गए और स्नान करने के बाद चाय पानी लिया और जो सात संगत दर्शनों के लिए आई हुई थी उन सभी को दर्शन देकर श्री गंगानगर से डेरा सच्चा सौदा दरबार के लिए रवाना हो गए। वाया अबोहर से मलोट डबवाली होते हुए जलालाना साहिब में मौज मस्तपुरा धाम में अपने पवित्र चरण डाले। वहां दरबार में 6-7 कमरे नए बने थे। शहनशाह जी ने वे कमरे देखे, चौबारा भी देखा और फिर सात संगत को दर्शन दिए और सभी सात संगत को प्रसाद भी दिया। उसके बाद चाय पानी लिया। पूजनीय बहन नक्षत्र कौर जी परमपिता जी के पास प्रार्थना करने लगे, शहनशाह जी अपने घर भी चलो। इस पर परमपिता जी कहने लगे, बेटा इससे बड़ा घर और कौन सा है, आप सभी ने दर्शन तो कर ही लिए हैं, घर जाकर क्या करेंगे। लगभग 1 घंटा जलालाना साहिब दरबार में ठहर कर सरसा दरबार के लिए रवाना हो गए। 11:30 बजे शहंशाह जी डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में पहुंच गए। सभी सब ब्रह्मचारियों तथा सात संगत परमपिता जी के दर्शनों के इंतजार में बैठी थी। अपने प्यारे रहबर पूज्य परमपिता जी के दर्शन करके सभी अशांत दिल शांत हो गए तथा मुरझाए हुए फूल फिर से खिल गए। सभी को प्रसाद दिया गया और उसके बाद शहंशाह जी तेरावास में चले गए। September 23, 1977 शहंशाह पूज्य परमपिता जी कुल मालिक सुबह तेरावास से बाहर आए और बाग में घूमने चले गए। बाग के प्रत्येक फूल पौधे पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए कुछ समय में वापस मजलिस में आकर सुसज्जित स्टेज पर विराजमान हो गए। सारी साध संगत को आशीर्वाद दिया और अपनी अत्यंत रहमत बख्शी। कई कविराजों से शब्द भी बुलवाए। फिर शहंशाह जी फरमाने लगे, जंगीर सिंह तू भी आ जा और सुरैने के साथ मिलकर दोनों हेड कविराज दीवार के साथ खड़े होकर शब्द बोलो। वे दोनों दीवार के साथ जच कर खड़े हो गए और सुरेंद्र चंद शब्द बोलने लगा, जग मान सरोवर नू हंसा ओढ़क नू छट जाना। जंगीर सिंह उसके पीछे लंबी आवाज में बोलने लगा। फिर सुरेंद्र चंद ने दूसरा शब्द शुरू किया, पंजा चोरा तो डरदा मारा जंगलां च फिरे लुकदा। जंगीर सिंह कहने लगा, सड़क कन्नी जंगल न जाया कर सुरेंद्र सिंह,
जंगीर सिंह से इस प्रकार शब्द सुनकर सास संगत बहुत प्रसन्न हुई। परम पिताजी ने फिर हेतराम को शब्द बोलने लगा दिया। उसने शब्द बोला, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारा देख ले। जंगीर सिंह कहने लगा, अंदर कमरे में न जाकर हेतराम सीधा होकर सेवा कराया कर। हेतराम रोटी खाने को अग्गे और काम करने को पीछे। ऐसी और भी कई भोली भाली बातें करके जंगीर सिंह ने बहुत हंसाया। शहनशाह जी फिर जंगीर सिंह को वचन करने लगे, जंगीर सिंह ऐसे बोल, खाने पीने को अग्गे डक्का तोड़ी ना, थाली रखी अग्गे खाली मोड़ी ना। उसने इस प्रकार शब्द बोलकर सास संगत को बहुत प्रसन्न किया। जंगीर सिंह कहने लगा, पिताजी हेतराम को 5 दिन हो गए हैं पड़े को, ऐसे ही कह देता है कि मुझे तो बुखार है। आज ही कुछ सेवादार आए तो ये छलांग लगाकर खड़ा हो गया। परम पिताजी कहने लगा, अच्छा ये बात है। फिर हेतराम कहने लगा, पिताजी ये हमें बहुत तंग करता है, खाने पीने को अग्गे सेवा करने को पीछे, उठो सेवा करो बैठे क्यों हो, 5 मिनट भी आराम नहीं करने देता। शहनशाह परम पिताजी कहने लगे, भाई ये भोला भाला आदमी है, तुम इसका गुस्सा न किया करो, ये बेचारा सीधा साधा बंदा है और सास संगत को हंसाने वाला है। जिए थे परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की रूहानी जीवोद्धार यात्रा, रूहानी डायरी के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आप हमारा फेसबुक का पेज ज़रूर लाइक करें और यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।